भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, नया साल आने वाला है और हर कोई यही चाहता है कि आने वाला साल हर किसी के लिए खुशियों से, धन से, वैभव से भरा हुआ हो और जिंदगी में हमें तरक्की ही तरक्की देखने को मिले। जिस तरह कहा जाता है कि अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, उसी तरह कहते हैं कि अगर साल का पहला दिन अच्छा गुजरे तो आपका पूरा साल अच्छा गुजरता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि साल के पहले दिन आपको ज़रूर कर लेने चाहिए ताकि आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से, धन से, वैभव से भरा हो और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार घर के लिए, घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। घर के मुख्य द्वार से ही हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। घर के मुख्य द्वार पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लगाने से हमारे घर की तरफ पॉजिटिविटी, खुशियां अट्रैक्ट होती हैं। वहीं अगर हमारे घर का मुख्य द्वार ठीक ना हो तो उसकी वजह से हमारे घर के में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी रह सकती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। इसके साथ साथ घर के लोगों के बीच में मन मुटाव होता है, टकराव होता है। तो घर के मुख्य द्वार पे कुछ चीजें अगर सही तरीके से लगाई गई हों तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, धन वैभव कीर्ति बनी रहती है, साथ साथ आपके घर से रोग दोष दूर रहता है और घर के लोगों के मन जुड़े हुए रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर कलश स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक होता है। शुक्र ग्रह ही हमें सुख शांति समृद्धि सब कुछ देने वाले होते हैं और चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, जिसकी वजह से हमारे घर के सभी लोगों का मन खुश रहता है, मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कलश दरवाजे पे रखने का अर्थ होता है संपन्नता, सुख और समृद्धि। जब आप अपने घर के दरवाजे पर कलश स्थापित करें तो उसमें हर वक्त पर्याप्त पानी जरूर डालकर रखें। अगर पानी कम हो जाए तो समय समय पर चेक करके उसमें पानी जरूर डालते रहें। अगर पॉसिबल हो तो कलश में, पानी में थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां भी डालकर रखें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो शुक्र ग्रह को खुशबू, सेंट, इत्र बहुत ज्यादा पसंद होता है, जिसकी वजह से अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहता है तो आपके घर में खुशियां बनी रहती हैं। जो दरवाजे पे आप कलश स्थापित करें उसका मुंह हमेशा चौड़ा होना चाहिए और उसमें पानी हमेशा ही आपको भर कर रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कलश रखने से आपके घर में संपन्नता तो आती ही है, साथ साथ ऐसा करने से आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। दूसरी चीज जो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए वो होती है बंधन बार या तोरण। बंधनवार वैसे तो किसी भी उत्सव में या किसी त्योहार में, किसी तीर्थ या त्योहार जब हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होती है उस दिन घर पे लगाया जाता है, लेकिन आप किसी भी मंगलवार को अपने घर के बाहर बंधनवार बांध सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब हमारे घर के बाहर बंधनवार बंधा होता है तो हमारे घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। बहुत तरह के बने बनाए सुंदर से सुंदर तोरण आजकल बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो कि आप बाजार से खरीद के डायरेक्टली अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, या फिर आप आम सिक्के पत्तों से बना हुआ तोरण भी अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि आम के पत्ते बहुत ही शुभ होते हैं और वो अपनी तरफ खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आम के पत्तों के तोरण के साथ एक बस ये प्रॉब्लम है कि जब वो पत्ते सूख जाए तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी तरफ नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप आम के पत्तों की जगह अशोक के पत्तों का तोरण बांधें। अशोक के पत्ते जब सूख भी जाते हैं तो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स नहीं देते और उनसे पॉजिटिविटी ही आती रहती है और उनमें वो मीठी सी स्मेल तब भी आती रहती है जब वो सूख जाते हैं। तो अपने दरवाजे पे आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का या बाजार में जो बने बनाए तोरण मिलते हैं आप उन्हें भी लाकर लगा सकते हैं। ये तीनों ही
बराबर इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका इक्वल इम्पॉर्टेंस भी होता है। आप इनमें से कोई भी एक तोरण अपने दरवाजे पर लगा लें, ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि तो बनी ही रहेगी, साथ साथ आपके घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। तीसरी चीज जो आपको आपके घर के दरवाजे पे जरूर लगानी चाहिए वो है स्वास्तिक। स्वास्तिक पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए लगाया जाता है। स्वास्तिक का सही प्रयोग करने से घर में इतनी खुशियां और संपन्नता आती है जो आप सोच भी नहीं सकते। स्वास्तिक एक बहुत सिंपल सी डिजाइन होती है कुछ इस तरह की, जिसको घर के दरवाजे पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक दो कलर के होते हैं, एक तो रेड और दूसरा नीला। लाल रंग के स्वास्तिक को आपको अपने गेट के दोनों तरफ लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष होता है या दिशा दोष होता है तो वो अपने आप मिट जाता है। नीले रंग के स्वास्तिक को आपको अपने गेट के जस्ट ऊपर बीचों बीच लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर के मुखिया का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और दूसरा ये आपके घर के परिवार के लोगों को बांध कर रखता है, उनके दिलों को जोड़ कर रखता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जहां पर भी नेगेटिव वाइब्स ज्यादा आपको लगे आपके घर में, वहां पर आप एक लाल रंग का स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक इसीलिए होता है कि वो घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बैलेंस को बराबर करे। नेक्स्ट चीज जो आपको आपके घर के दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए वो है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल लगाने के दो फायदे होते हैं, एक तो इसका सीधा संबंध भगवान शनि से होता है, शनि देव से होता है। तो अगर आपके दरवाजे पे घोड़े की नाल लगी हुई है तो आपके घर में हर व्यक्ति का शनि शुभ होगा और आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। इसके साथ साथ अगर आपके दरवाजे पे घोड़े की नाल लगी हुई है तो आपके घर को किसी भी तरह की ना तो नजर लगेगी और ना ही टोक लगेगी। अब घोड़े की नाल कैसी होनी चाहिए और उसे किस तरह लगाया जाता है ये सुनिए। घोड़े की नाल हमेशा आपको घोड़ा जहां पर मिलते हैं वहीं से लेने चाहिए, क्योंकि घोड़े की नाल अगर आप नई बाजार से खरीद कर लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। घोड़े की नाल वही वर्क करती है जो कि घोड़े के पैर से निकली हुई हो, तो हमेशा ही यूज्ड घोड़े की नाल लेकर अपने घर में लगानी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप घोड़े की नाल लें तो उसे फ्राइडे की रात को सरसों के तेल में डुबोकर रखना चाहिए। सैटरडे की सुबह उसे निकालें, धूप दिखाएं और उसके बाद उसे अपने घर के दरवाजे के ऊपर यू शेप में, मतलब ऐसे सीधे यू शेप में लगाकर अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर पर शनि भगवान की कृपा बनी रहती है, आपके घर को कभी किसी की नजर टोक टोटका नहीं लगता। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको आपके घर के दरवाजे के ऊपर मेन डोर पे जरूर लगानी चाहिए वो होती है गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति। ऐसा कहते हैं कि जहाँ गणेश भगवान होते हैं वहां पे सुख शांति समृद्धि संपन्नता सब कुछ होती है। लेकिन अगर आप अपने घर के दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुंह करके लगाते हैं तो गणेश जी के पीछे तो दरिद्रता रहती है, तो आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। वहीं अगर आप अपने घर के अंदर की तरफ गणेश जी का मुंह करके लगाते हैं तो बाहर से आपके घर में दरिद्रता आएगी। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपने घर के दरवाजे पे दो गणेश जी की प्रतिमा लगाएं, दोनों को जोड़कर, उनकी पीठ जोड़कर एक दूसरे से लगाएं। एक का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए और एक का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर भी सुख शांति और समृद्धि रहेगी और आपके घर से बाहर से भी सुख शांति समृद्धि और संपन्नता आएगी। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब दोनों पीठ गणेश भगवान की जुड़ी रहेगी तो आपके घर में आपके घर के बाहर से दरिद्रता के लिए कभी कोई स्थान नहीं रहेगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो ये है कुछ चीजें जिन्हें 1 जनवरी के दिन, नए साल के दिन आपको अपने दरवाजे पर जरूर लगा लेना चाहिए ताकि आने वाला पूरा साल आपका सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।